अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस कार्यक्रम की तारीख 5 अगस्त तय की गई है, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा मंदिर आंदोलन से जुड़े लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती के आने की संभावनाएं हैं। लेकिन इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का बाखूबी पालन किया जाएगा। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसी चल रही है इस कार्यक्रम की तैयारियाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे, लेकिन देश में बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण के चलते इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी का कहना है कि शिलान्यास समारोह में 150 आमंत्रितों सहित 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। स्वामी गिरी ने आगे ये भी कहा कि राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन करेंगे, साथ ही अयोध्या में हनुमान गढ़ी मंदिर में हनुमान जी की पूजा अर्चना करेंगे। उन्होंने बताया कि शिलान्यास समारोह में अलग अलग राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर 3 दिवसीय वैदिक अनुष्ठानों के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। अनुष्ठान 3 अगस्त से शुरू होगा और 5 अगस्त को भूमि पूजन के साथ ही समाप्त होगा। इसके साथ ही वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और राम जन्मभूमि आंदोलन के अन्य नेताओं को भी समारोह में आमंत्रित किया जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद से ही मंदिर निर्माण की कवायद शुरू हो गई है। कोर्ट के आदेश पर ही मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया। ट्रस्ट के लोगों का कहना है कि मंदिर के नक्शे पर अंतिम मुहर लगने के 3 से 3.5 साल के अंदर मंदिर निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। मंदिर के स्वरूप की अगर बात करें तो राम मंदिर के पुराने मॉडल से नया मॉडल अलग है। नए वाले मॉडल में राम मंदिर की ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई तीनों ही बढ़ा दी गई है। मंदिर अब 2 मंजिल की जगह 3 मंजिल का होगा। राम मंदिर के पहले वाले मॉडल में 3 गुंबद प्रस्तावित थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 3 मंजिला मंदिर में अब 5 गुंबद रहेंगे। पूरे मंदिर में कुल 318 स्तंभ होंगे। मंदिर के हर एक तल पर 106 स्तंभ बनाए जाएंगे। खैर, राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। अब सबको इंतजार है तो बस 5 अगस्त का। देखना होगा कि इस कार्यक्रम में और क्या कुछ खास रहता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।